हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैट गणेशा। तो दोस्तों, भूलकर पर घर पर ना लाए भगवान गणेश की ऐसी मूर्ति स्थापित करते वक्त इन बातों का रखे ध्यान। तो दोस्तों, भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए जरूरी है कि आप सही मूर्ति खरीदे। बहुत बार लोग मुहूर्त का तो ख्याल रखते हैं, लेकिन मूर्ति खरीद लेते हैं। दोस्तों, इस बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मूर्ति खरीदते वक्त इस बातों का ध्यान अवश्य रखे और सही मूर्ति अवश्य ले। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करे, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते समय दिशा का जरूर ध्यान रखना चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति सही दिशा अथवा सही विधि से स्थापित करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक भगवान गणेश की प्रतिमा को घर की ईशान कोण अर्थात उत्तर अथवा पूर्व दिशा में स्थापित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान गणेश की बैठी हुई मुद्रा और बाई तरफ झुकी हुई सोंड वाले गणेश जी को सबसे शुभ माना गया है। माना जाता है कि गणपति की ऐसी प्रतिमा घर पर लाने से सुख और समृद्धि के साथ शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, भगवान गणेश को मोदक बहुत प्रिय होता है। गणेश उत्सव के दौरान मोदक का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा गणेश जी को सिंदूर के रंग की प्रतिमा घर पे लाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, इसके अलावा भगवान गणेश की सफेद रंग की प्रतिमा घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है और घर में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान अवश्य रखें और भगवान गणेश की ऐसी ही मूर्ति जरूर लाना। इससे आपके घर में शुभता बढ़ेगी, आपके सारे काम बनेंगे, बिगड़े काम बनेंगे, आपको सफलता ही सफलता मिलेगी, नौकरी व्यापार में सफलता अवश्य मिलेगी और आपके सभी काम अवश्य बनेंगे। तो दोस्तों, आपकी वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में ओम गणपते नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।